करें तो हालांकि अनौपचारिक तौर पर आप देखें तो G20 का कोई सेक्रेटरिएट नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रवेश करते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक। इसी सोच के तहत ये बैंक विभिन्न देशों को वित्त भी उपलब्ध कराता है और ये विकास को भी गति देता है। इन मायनों में एशिया के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी भूमिका लगातार बढ़ाता रहा है। बहुत बड़ी भूमिका, 21वीं सदी, एशिया की सदी, और एशिया में फाइनेंस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कैसे इसको और सशक्त किया जाए, कैसे इसका बेहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए, उस पर भी फोकस एडीबी का इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें जहां पर योग मुद्राएं भारत की संस्कृति और सभ्यता से हमारे विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा जो भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। भारत मंडपम में जिस जिस स्थान से फ्लैग्स के द्वारा झंडे लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और भारत मंडपम की खूबसूरती से दो चार होते हुए ये सभी हमारे मेहमान मुख्य स्थल तक पहुंचेंगे। तो एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा इस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए, और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 से ही वे FSB के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB के अध्यक्ष क्लास नॉट का स्वागत करते हुए। और FSB बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि IMF के साथ मिलकर के इन्होंने सिंथेसिस पेपर तैयार किया है। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को रेगुलेशन को लेकर के प्राथमिकता दिखाई उस पर काफी इंपॉर्टेंट। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हांगबो जिनका प्रवेश हो चुका है, वे ILO के 11वें डायरेक्टर जनरल हैं और वे पहले अफ्रीका महाद्वीप के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट एफ हांगबो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। G20 की अध्यक्षता में मिनिस्ट्रियल कम्युनिके और आउटकम डॉक्यूमेंट जो कि लेबर पर है उसको भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो वर्ल्ड बैंक की CEO भी रह चुकी है और 3 महीने के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रह चुकी है, और कल हमने देखा कि जब इनका आगमन हुआ था हवाई अड्डे पर तो भारत की संस्कृति को देख वे बेहद आनंदित हो रही थी, स्वयं भी नृत्य में जुड़ रही थी। और इसी जोश और उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का प्रवेश भारत मंडपम में। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया कल ही कि इंडिया जो है एक शाइनिंग एग्जांपल है इन अ वर्ल्ड ऑफ फेसिंग मेनी अनसर्टेनिटीज एंड द रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरली रूटेड इन द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट इंडिया हैव ओवरटेकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF के चीफ का स्वागत करते हुए, और IMF की अध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मंथन हुआ और भारत की प्रेसिडेंसी की जो प्राथमिकताएं हैं IMF ने खुल करके उनका स्वागत किया और प्रेसिडेंसी को पूरा समर्थन IMF ने जताया है। IMF के कई सारे सिंथेसिस पेपर भी G20 लीडर्स की समीक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज
के कमिश्नर भी रह चुके हैं। 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज थे उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की हैं। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का स्वागत करते हुए। प्रेसिडेंट अजय बंगा, जिनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वे पहले श्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की अध्यक्षता उन्होंने संभाली है। और महत्वपूर्ण बात कि उनका बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रहा है, जिसके बाद वे फिलहाल वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस, पहले डायरेक्टर जनरल जो अफ्रीकन रीजन से WHO के डायरेक्टर जनरल बने। उन्हें मलेरिया पर अनुसंधानकर्ता के रूप में विश्व में पहचाना जाता है और डायरेक्टर जनरल बनने से पहले वे वैश्विक स्वास्थ्य से भी जुड़े रहे हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस के भी वे अध्यक्ष रहे हैं। और जिस वक्त कोविड महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था, उस वक्त उनकी अध्यक्षता में WHO ने महत्वपूर्ण कार्य किए और स्थिति में विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस। G20 के अध्यक्षता में वन हेल्थ अप्रोच पर एक बड़ा फोकस और WHO की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। वर्किंग ग्रुप की हम बात करें तो भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको अडॉप्ट किया गया है, वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो ये विश्व के स्वास्थ्य को और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस का स्वागत करते हुए। संकेतिक रूप से लगता है कि उनका हालचाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेक्रेटरी जनरल मथियास कामन, जो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। इंटरनेशनल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में OECD की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, उनके रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और जो G20 के वर्किंग ग्रुप हैं उनको अपनी चर्चाओं को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन्वाइट किए जाते हैं G20 के सम्मेलन में बहुत ही खास इनपुट्स के लिए, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, वैश्विक स्तर पर मुद्दों पर समावेशी विकास को समाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो इवियाला, जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल रही है WTO की और पहली अफ्रीकी नागरिक जिन्हें WTO की अध्यक्षता मिली है, गोजी ओकोंजो इवियाला, जो ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के विशेषज्ञ इन्हें माना जाता है और फिलहाल WTO की अध्यक्षता संभाल रही हैं।
21वीं सदी के लिए WTO को तैयार करना, WTO में रिफॉर्म, इस पर लगातार बात करता रहा है भारत। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर WTO में रिफॉर्म्स की वकालत की और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की वर्किंग ग्रुप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत इस मुद्दे पर लगातार बात करता रहा है कि विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को WTO में और ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, मार्केट एक्सेस में जो विकसित देश हैं विकासशील देशों की मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोजी ओकोंजो इवियाला WTO के डायरेक्टर जनरल का स्वागत करते हुए। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका आगमन हो रहा है और अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी इस वक्त मंडपम में प्रवेश करते हुए। अफ्रीकी संघ जिसको इस शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिल सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हुए, और जिस तरीके से गले लगकर गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है, ये बताती है कि अफ्रीकी संघ को G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता मिलने के आसार पूरे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ सकती है दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शायद दिल्ली से निकल सकता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष जिनका स्वागत हो रहा था, और अब आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद जिनका आगमन मंडपम में। ओमान की कैबिनेट में सुल्तान के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रधानमंत्री ही होते हैं, और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्रित देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप प्रधानमंत्री। अतिथि देवो भव की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके बाद अतिथि राष्ट्र, उनका स्वागत, ये हमारी परंपरा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन अतिथि देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना, एक ग्लोबल इम्पॉर्टेंस उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के उप प्रधानमंत्री सईद असाद बिन तारिक अल सईद का स्वागत करते हुए। फॉर्मल फोटो ऑप और आमंत्रित देशों की फेहरिस्त में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनका आगमन हो गया है। बांग्लादेश हमारा बेहद करीबी पड़ोसी देश, कल ही प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, और प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाना, कमर्शियल लिंकेजेस को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत करते हुए। पड़ोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटा रहता है, और ऐसे में बांग्लादेश जिनसे हम सीमाएं साझा करते हैं हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। और अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट जहां पर भारत अपने बहुत ही करीबी रिश्ते साझा करता है, और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजिप्ट की यात्रा भी की, और दोनों देशों और ऐतिहासिक यात्रा, कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजिप्ट की यात्रा पर गया और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, और मुझे लगता है कि वहीं पे इनविटेशन प्रधानमंत्री ने दिया, और इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए। कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रभावित ये दृश्य, और इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि जब ये औपचारिक फोटो ऑप हो रहा हो तो भारत की संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर का भी एक उदाहरण विश्व के सामने रहे। और इस वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं। मॉरिशस के साथ भी भारत की कल द्विपक्षीय वार्ता हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस वक्त दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का जश्न भी मनाया जा रहा है और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी फिनटेक, ढांचागत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर रहा क्योंकि मॉरिशस पहला ऐसा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसके साथ सेपा भी देशों के बीच के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय मूल के कई नागरिक मॉरिशस में अपने कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं और मॉरिशस को टैक्स ट्रीटीज के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ का स्वागत करते हुए, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिनका आगमन इस वक्त भारत मंडपम में जारी है और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुट, नीदरलैंड्स जो आमंत्रित देशों की फेहरिस्त में शामिल है और नीदरलैंड्स के साथ भारत का आदान प्रदान महत्वपूर्ण स्तर पर होता रहता है। नीदरलैंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और राष्ट्रपति जब यहाँ की यात्रा पर थे तो बहुत सारे बायलेटरल्स के जरिए दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गर्मजोशी से किया, उसके साथ देख सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में जो गर्मजोशी है ये उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुट का स्वागत करते हुए, जैसा हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक अलग ही केमिस्ट्री होती है और जिनके साथ उनकी मुलाकात होती भी रहती है, ऐसे में ये राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो ये गर्मजोशी हमें देखने को मिलती है। इस हैंडशेक में जो गर्मजोशी है, इस हैंडशेक में जो स्ट्रेंथ है, वो आपसे रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। और इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु, नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद नाइजीरिया में आ सकता है और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है इस साल और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ के उठाए गए हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को, इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु का स्वागत करते हुए। और स्पष्ट तौर पर नाइजीरिया बहुत से उत्साहित होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं, ऑटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें, कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं बीते दिनों। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लुंग, और हम जानते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं और ऐसे में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भी एक आमंत्रित देश के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना स्वाभाविक है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का आगमन, आसियान समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया सिंगापुर का स्पष्ट तौर पर और सिंगापुर से जो भारत सीखना चाहता है उस स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट है फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस हुई गांधीनगर में उसमें सिंगापुर की बहुत ही अहम भूमिका रही। गिफ्ट सिटी जो बनाया गया है गांधीनगर में उसमें भी सिंगापुर एक अहम भागीदार के रूप में सामने आया है। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लुंग का स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी है और उनका औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया जा रहा है और ये योग वॉल जिसके आगे से सभी राष्ट्राध्यक्ष गुजर रहे हैं महत्वपूर्ण। स्पेन के उपराष्ट्रपति नाडिया कैल्विनो सेंटा मारिया, हम जानते हैं कि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और स्पेन के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं और ऐसे में स्पेन की उपराष्ट्रपति और उनके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट ये बयां करती है कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर शामिल होना स्पेन
इसे महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है और स्पष्ट तौर पर जो G20 में बातचीत चल रही है लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमति एक वैश्विक सहमति बनाई जाए उस पर भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फायदा होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन की उपराष्ट्रपति नाडिया केल्विनो सेंटामारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए। नौ आमंत्रित देश इस बार 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित देश, जिनमें आखिरी देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, थोड़ी देर पहले UAE के तरफ से अभी तक जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं उनमें तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंडपम में प्रवेश करते हुए। संयुक्त अरब अमीरात एक बेहद महत्वपूर्ण देश, विशेष रूप से आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तेल संसाधनों के कारण और अन्य कूटनीतिक कारणों से भी भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश संयुक्त अरब अमीरात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के दोनों देश काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और हाल ही में जो FTA किया गया है भारत की तरफ से उसका फ़ायदा अब ज़मीन पर दिखने लगा है, रोजगार के लिहाज से, GDP के लिहाज से और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशन हैं इसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में जो कार्य करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनको असिस्टेंस दिया जाए और आप केमिस्ट्री स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करते हुए न केवल हैंडशेक बल्कि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए उन्हें गले लगाते हुए। तब तक नौ आमंत्रित देश ओमान, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और UAE, इन नौ आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और अब बारी है G20 के सदस्य देशों। हम जानते हैं कि G20 के सदस्य देशों में भारत समेत 19 देश और साथ में यूरोपीय संघ शामिल है और इन विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी अब एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। हालांकि अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का भारत आगमन का इंतज़ार है, लेकिन बाकी सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं तो इन सभी का स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत मंडपम अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इस वक्त मौसम की भी खूबसूरती को समेटे हुए यहाँ अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहा है। और G20 सदस्य देशों में सबसे पहले मेक्सिको के आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्त्रो सेंशेस। मेक्सिको को विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज के रूप में देखा जाता है और एग्रीकल्चर को लेकर के जो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे सीखने की कोशिश पूरी दुनिया करती रही है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में भी मेक्सिको की अहम भूमिका रही है, किस तरह से खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो खाद की कीमतों में हमने उछाल देखा कोविड के दौरान, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान, उसमें कैसे सभी लोग मिलकर के फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है उस पर आम राय आम सहमति बना पाए उसमें मेक्सिको ने एक अहम योगदान दिया और स्पष्ट तौर पर G20 के सदस्य देश के रूप में भारत और मेक्सिको के न केवल द्विपक्षीय संबंध बल्कि G20 के मंच पर भी इन दोनों देशों का विकासशील देश के तौर पर अपने विचारों को रखना काफ़ी अहम। तो मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएनरोस्त्रो सेंशेस का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेक्सिको के राष्ट्र अध्यक्ष का ही G20 शिखर सम्मेलन में आना था लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे नहीं आ पाए तो मेक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रही वहां के आर्थिक मामलों की मंत्री। तो G20 के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का और प्रतिनिधियों का इस वक्त आना जारी है और भारत मंडपम में उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। भारत मंडपम जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का
केंद्र। भारत मंडपम, जहां से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली घोषणा पत्र एक मजबूत आवाज ग्लोबल साउथ के देशों की बनकर उभरेगा, यहां से एक ऐसी दिशा दी जाएगी जिससे विश्व समावेशी विकास और मानव कल्याण की ओर कदम बढ़ाएगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नया अध्याय लिख पाएगा, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। जिस सोच को विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक में भारत ने आगे रखा, जिस जनभागीदारी के संदेश को सामने रखते हुए एक्शन ओरिएंटेड चर्चाओं पर भारत का जोर रहा, जिस तरीके से विभिन्न देशों के बीच सहमति बनाने की लगातार प्रयास किए जाते रहे, संवेदनशील मुद्दों पर भी एकमत होने की प्रयास रहे, वो ये भी दिखाता है कि दिल्ली घोषणा पत्र में जब वो कल सामने आएगा तो जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो भारत के उद्घोष को तो सामने रखेंगे ही, लेकिन साथ ही विश्व को भी नया संदेश, नई दिशा दे पाएंगे, क्योंकि ये संदेश जो इस भारत मंडपम से निकलेगा, ये संदेश पूरे विश्व के कल्याण और पूरे विश्व के विकास के संदेश के साथ जुड़ा हुआ होगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम एक सर्वसमावेशी थीम, तभी भारत एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की बात कर रहा है, और इसीलिए इन्हीं विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयास इस भारत मंडपम में कुछ ही पलों बाद शुरू हो जाएंगे, जब औपचारिक स्वागत के बाद पहला सत्र एक पृथ्वी का आगाज होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अध्यक्षता संभाली, उनका पहला फोकस यही रहा कि G20 के पूरे उत्सव को लोगों के साथ जोड़ा जाए और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके लिए एक सशक्त मंच तैयार किया जाए, जिसमें सभी की आवाज़ सुनी जाए, सभी के विचारों को एक मंच दिया जाए और एक साझा समाधान निकालने की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं। भारत मंडपम के ठीक आगे नटराज की भव्य मूर्ति, भारत के सांस्कृतिक उद्भव और जिसको हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति की एक पावन धारा के रूप में जो भारत अपने आप को, भारत जिसका नाम ही है कि जहां पर लोग ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, और इसीलिए भारत मंडपम इस शब्द को भी बार बार रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगति मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए खास तौर पर लेकर के आए हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की अध्यक्षता में, शिखर सम्मेलन यानी लीडर्स अब दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। कौन से मुद्दे, कौन सी प्राथमिकताएं जो भारत ने रखी, जिन पर वैश्विक सहमति बनती है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि प्राथमिकताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेस, 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 की अध्यक्षता की तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी को एक मुद्दा बनाया। शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद फूड इनसिक्योरिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा, लेकिन आज भारत ने जबरदस्त लीडरशिप का परिचय दिया। फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, 3F की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए वार्ताओं के जरिए कैसे इस संकट का एक साझा हल निकाला जाए, पुरजोर कोशिश की भारत ने अपनी ओर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडेस का स्वागत करते हुए। अर्जेंटीना जो भारत के साथ कई विभिन्न समूहों में मंच साझा करता है, और इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए। अर्जेंटीना जिसके साथ हमारा व्यापार कई उत्पाद के तहत आगे बढ़ता है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीजी, सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑस्ट्रेलिया की आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का समर्थन किया है,
जिस पर भारत के प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा फोकस रहा है कि जो 20वीं सदी के संस्थान हैं उनको 21वीं सदी के लिए कैसे तैयार किया जाए। खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो रिफॉर्म्स हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए, उस पर कई सारे पेपर्स आ चुके हैं। भारत की ओर से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी पहली रिपोर्ट भी सौंप दी है, दूसरी रिपोर्ट शायद अक्टूबर में आएगी, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको प्रेसिडेंसी के दौरान दिखाई दे सकता है। एक बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नॉबन एल्विनीजी का स्वागत करते हुए। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत अपने संबंधों को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्विनीजी का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और इस वक्त G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का आगमन, G20 शिखर सम्मेलन पर आने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि G20 शिखर सम्मेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या पक्ष लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भारत ने G20 के विकास के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया, और यही शायद भारत के G20 प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत सारे देशों को कि शायद भारत कहीं दबाव में झुक न जाए, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर किसी का भी बिना कोई पक्ष लिए निष्पक्ष तौर पर इस अध्यक्षता को स्पष्ट तौर पर एक लीडरशिप के तौर पर संभाला। और भारत ने अपनी ओर से बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको इस वार्ता पर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि ये एक मंच है वैश्विक विकास के मुद्दों को समाधान देने का, एक साझा हल ढूंढने का। और इस वक्त यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जैसा कि आपको पता है कि 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन कमीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक। आप देखें भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाढ़ होते रहे हैं, 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक के साथ वो करीब करीब दोगुनी हो गई है, 8% से बढ़कर के 18% की हिस्सेदारी कारोबार में स्पष्ट तौर पर नजर आई है। और यूरोपियन यूनियन के साथ कारोबारी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाना द्विपक्षीय तौर पर ये भारत की प्राथमिकता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम बात कर रहे हैं, बायलेटरल एंगेजमेंट्स भी होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन G20 में यूरोपियन यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका, पूरे यूरोप की तरफ से एकमात्र सदस्य जो पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का। तो यूरोपियन यूनियन की कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लायन, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की तरफ से उर्सुला वॉन डेर लायन, और यूरोपियन यूनियन कमीशन की तरफ से यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट शार्ल मिशेल, जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यूरोपियन यूनियन G20 में फिलहाल इकलौता संघ, जिसके बाद अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि G20 में दो संघ हो जाएंगे, 19 देश और दो संघ, लेकिन फिलहाल 19 देशों के साथ G20 में यूरोपियन यूनियन एक संघ के तौर पर शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, और ये G20 की प्राथमिकताओं में शामिल। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का आगमन, G7 में जर्मनी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और G7 के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो स्पष्ट तौर पर
उनका भव्य स्वागत किया गया था और वहाँ पर जो क्लाइमेट जस्टिस को लेकर के आवाज़ें उठी थी उसको जर्मनी का भरपूर समर्थन मिला था। जर्मनी और भारत के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर के और ज़्यादा रिश्तों को मजबूत करना और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना उस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन G20 के मंच पर जर्मनी की बहुत ही खास भूमिका वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाने के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का स्वागत करते हुए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री के जरिए, और ये देखा जा सकता है कि जैसे WHO के डायरेक्टर जनरल, उनका भी थोड़ा स्वास्थ्य नासाज था, प्रधानमंत्री ने उनका भी स्वास्थ्य पूछा। लेकिन ये भी दिखाता है महत्व G20 शिखर सम्मेलन का, जहां विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और संगठनों के अध्यक्षों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि वे इसमें ज़रूर शिरकत करें, ज़रूर शामिल हों, क्योंकि इस वक्त का G20 शिखर सम्मेलन, इस दौर में पूरा विश्व वक्त के उस मुहाने पर खड़ा है जब चुनौतियाँ बहुत भीषण हैं और चुनौतियाँ बहुत मुखर हैं। ऐसे में इस कठिन वक्त में विश्व को अगर आगे लेकर जाना है तो उसमें इस G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इसीलिए इस वक्त जो औपचारिक स्वागत आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों का, G20 सदस्य देशों का और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का किया जा रहा है, ये भी दिखाता है कि इनका यहाँ आना, इस शिखर सम्मेलन में इन सभी संगठनों और राष्ट्रों के अध्यक्षों की उपस्थिति हमारे लिए भी मायने रखती है, G20 के लिए भी मायने रखती है। भारत मंडपम जो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है उन मेहमानों की जिनका भी आगमन का इंतज़ार है, और विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो अब से कुछ ही देर बाद जब फॉर्मल सेशंस शुरू होंगे तो गंभीर समस्याएं विश्व के सामने जो उपस्थित हैं उन पर मंथन करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, ताकि इन चर्चाओं और इस विमर्श से कुछ ठोस नतीजे सामने आ सकें, ऐसे नतीजे जो एक्शन ओरिएंटेड हों, ताकि विभिन्न देश सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन निर्णयों को लेकर आगे बढ़ सकें। सामूहिक जिम्मेदारी सर्वसमावेशी विश्व के विकास की, सामूहिक जिम्मेदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की, सामूहिक जिम्मेदारी वसुधैव कुटुंबकम के तहत एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के मंत्र को साकार करने की। और इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थी, 21 वर्ष की आयु में ही वे रोम की काउंसलर चयनित हो गई थी, 29 वर्ष की आयु में ही वे सांसद भी बन गई थी, और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री पद को संभाला। 2020 में जब इटली ने G20 की अध्यक्षता संभाली उस वक्त COVID-19 का जो क्राइसिस था वो काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐसे में रोम डिक्लेरेशन, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एक साझे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी इटली ने, उसे काफ़ी सराहा गया था, और इटली ने भी भरपूर समर्थन दिया है भारत की G20 प्रेसिडेंसी का। केमिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के दोनों देश लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आते रहे हैं, और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी पूरी अभी तक जो देखी है हमने, एक दिसंबर 2022 से महत्वपूर्ण स्तंभों पर नजर आती हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक, और इसीलिए भारत के साथ संबंधों को वे पूरी तरह और बेहतरीन तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जापान एक महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, जिसके साथ हम विभिन्न मंचों पर हम सहयोगी के तौर पर काम करते हैं, और जापान ने पूरा समर्थन दिया है भारत का ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। स्पष्ट तौर पर जब ऐसा कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जब भारत और चीन की बात आती है तो जापान हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जापान ने खुल करके भारत का समर्थन किया है, भारत के विचारों का, और भारत के पक्ष में
अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का स्वागत करते हुए। विभिन्न सहयोगी देश और शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण आयाम ये रहता है कि भारत जहां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो वहीं विभिन्न सदस्य देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने का भी ये महत्वपूर्ण अवसर होता है। ऐसे में लगभग 15 बायलेटरल्स भी प्रधानमंत्री की प्लान्ड है, जिनमें से कल हमने देखा कि 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, जिसके बाद आज भी सबकी नज़रें रहेंगी, जब उम्मीद की जा रही है कि UK, जर्मनी, फ्रांस के साथ भी और अन्य देशों के साथ भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। और इस वक्त दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यो, दोनों देशों के बीच मित्रता की 50वीं वर्षगांठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कैंपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया, जिसमें दोनों देश एक साझी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए। और G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इनसे हुई और अब G20 का मंच तैयार। और पूरे साल हमने सहयोग देखा कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर, और स्पष्ट तौर पर सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कई सदस्य देश जिनके आगमन का इंतज़ार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस औपचारिक स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। G20 शिखर सम्मेलन जिससे पूरे विश्व को उम्मीदें हैं, और जिन देशों को यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में जिनके फ्लैग्स हम देख सकते हैं मंडपम के बाहर सजे हुए, लेकिन इन सभी देशों के ऊपर जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि इस शिखर सम्मेलन से कुछ ठोस निकल कर सामने आए, कुछ ऐसा निकल कर सामने आए जो विश्व के विकास को गति दे सके। इस वक्त कोविड महामारी से कितने ही देश हैं जो उभर रहे हैं, इस वक्त कोविड महामारी के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ऐसे में सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान कर रहा है भारत इस भारत मंडपम से। और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, श्री नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान, और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी करने के बाद अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछ ही दिनों में मिलते हुए विकासशील देशों के साझा हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए दोनों देशों के संबंध कारोबारी तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और मानवीय तौर पर बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही प्राचीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो ऑप देते हुए। भारत मंडपम की खूबसूरती इस मौसम में देखते ही बनती है, विशेषकर रात के वक्त जब ये रोशनी से जगमगा उठता है, तब ये उम्मीद की जाती है कि ये रोशनी पूरे विश्व को रोशन करेगी। और ऐसे में आज जब मौसम भी बेहद सुहावना है, ये दिखाता है कि दिल्ली मौसम के साथ भी तैयार है अपने गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने के लिए। ये विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शक्तिशाली नेता हैं, और ये विभिन्न राष्ट्र जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विराजमान हैं, इन सभी राष्ट्रों का और राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मंच पर आज उपस्थित होना महत्वपूर्ण संकेत। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का भारत मंडपम में आगमन, 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं, और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए।
तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंक्लूसिवनेस की जब भी बात होती है महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वक्त आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने पद संभाला है और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक। हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 का समर्थन और सबकी निगाहें होंगी भारत UK FTA वार्ता पर जो कि बहुत ही फाइनल स्टेज में है और दोनों नेता इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत UK FTA को लेकर के दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं और G20 के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए ऋषि सुनक स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर, औपचारिक तौर पर भारत का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप की तारीफ कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी आगमन, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए, उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए। रूस एक कि रूस का क्या रुख रहा है भारत की प्राथमिकताओं को लेकर के और भारत की प्रेसिडेंसी में जो रशिया के कंसर्न्स हैं फूड सिक्योरिटी के मोर्चे पर या दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशन के मोर्चे पर उसको फाइनल डिक्लेरेशन में किन शब्दों में परिभाषित किया जाएगा क्योंकि यही वो पैराग्राफ होगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जिसमें सभी लोग ये पढ़ना चाहेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहेंगे कि क्या कुछ भारत की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। और अगर हम बाली डिक्लेरेशन की बात करें तो भारत का कहना है कि हम इस मुद्दे को बाली डिक्लेरेशन में जो अडॉप्ट किया गया था नेताओं के द्वारा उसको वहीं पर छोड़ना चाहते हैं और G20 की प्रेसिडेंसी में भारत विकास के मुद्दों को शामिल करना चाहता है, उस पर फोकस करना चाहता है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को स्थान देने का इस फोरम, इसे एक मंच नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और लगातार हम कल से देख रहे हैं कि फॉरेन मीडिया भारतीय प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा है कि कैसे इस मुद्दे को देखा जाएगा। और वैसे देखें तो बाली डिक्लेरेशन में भी रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर अंत में जाकर सहमति बन पाई थी जिसके बाद सही शब्दों के साथ पंक्तियों को जोड़ा गया था और बाली डिक्लेरेशन सामने आया था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत जिस तरीके से पूरे विश्व के विकास की बात कर रहा है ऐसे में विभिन्न देश अपने सोच और एजेंडे को एक तरफ रखते हुए विश्व की बेहतरी के लिए एकजुट होने का आह्वान में भारत के साथ जुड़ेंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि भारत भी लगातार जब से भारत ने अध्यक्षता संभाली है भारत इन प्रयास में लगा रहा है कि विभिन्न देशों की अलग अलग आवाजों को कैसे एक साथ एक मत किया जाए और ऐसे में विभिन्न देशों को चर्चाओं में भी साथ जोड़ने का प्रयास भारत का रहा है। और इस वक्त जाहिर है कि रूस के विदेश मंत्री क्योंकि पहुंच चुके हैं उसके बाद जब चर्चाओं में वे शिरकत करेंगे तो रूस यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा दिल्ली डिक्लेरेशन में किन शब्दों के साथ रखा जाता है, किस हद तक जगह मिल पाती है, उस पर सहमति बनाने पर भारत का और विभिन्न देश जो भारत के साथ इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन को फाइनल किया जाए और सही तरीके से भारत विश्व के विकास को लेकर जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, ग्लोबल साउथ के हितों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है,
उसको साथ मिल सके और सार्थक तरीके से उसे दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके, इसका प्रयास भारत तथा अन्य देश भी G20 शिखर सम्मेलन में कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सभी देशों पर आती है कि अपनी सोच अपने स्वार्थ को दरकिनार करते हुए इस वक्त विश्व की बेहतरी के लिए, विश्व कल्याण के लिए सोचें और आगे बढ़ें, ताकि कुछ ठोस एक्शन ओरिएंटेड एजेंडे सामने आ सके। तो भारत नहीं चाहता कि G20 को मंच बनाया जाए इस तरह की भू राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं उसको लेकर के। बहुत सारे देशों ने ये कोशिश की दबाव बनाने की कि रशिया को लेकर के भारत की प्रेसिडेंसी की ओर से दबाव बनाया जाए। भारत ने दो टूक मना कर दिया। ये एक विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मंच है और इसको कूटनीतिक मसलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और भारत कम से कम ऐसा नहीं करने देगा। बहुत सारे अपनी प्राथमिकता में शामिल रखा कि जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं। और इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन, इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे तीन देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिनमें जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को बहुत ही आवश्यक। और ये ट्रॉयका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है G20 के इतिहास में कि तीन विकासशील देश लगातार 3 सालों तक, अगर आप साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लें तो लगातार 4 सालों तक ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों की आवाज़ के तौर पर ये प्रेसिडेंसी उन मुद्दों को आगे बढ़ाती रहेगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी में जो लेगेसी छोड़ेगा, जिन मुद्दों पर बात आगे बढ़ी है, वो अगले 2 से 3 सालों में और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। एक मजबूत आधार जरूर भारत ने तैयार कर दिया है। और विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों पर अगर नजर डालें, विभिन्न आउटकम डॉक्यूमेंट्स पर भी अगर नजर डालें, तो ये पाते हैं कि हर वर्किंग ग्रुप में, एंगेजमेंट ग्रुप में, या अगर हम स्टैक्स की बात करते हैं, तो भारत ने हर जगह ये कोशिश की है कि कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अधिक बेहतर स्तर देकर एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग समूहों के दौरान कुछ आउटकम्स बेहतर सामने आए। ऐसे में स्टार्टअप 20 की शुरुआत करना या फिर महिलाओं के मुद्दों पर वर्किंग ग्रुप की घोषणा करना, कुछ महत्वपूर्ण और ठोस पहल के माध्यम से भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी वर्गों का, सभी देशों का कल्याण हो सके। और अपनी अध्यक्षता में भारत जिस व्यापक स्तर पर भारत ने आयोजन किए हैं, जिस व्यापक स्तर पर सभी देशों को शामिल किया है, वो ये दिखाता है कि भारत एक अलग आयाम दे रहा है G20 शिखर सम्मेलन को। और इस वक्त ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहण करेगा, भारत के बाद ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष होगा। ऐसे में ट्रॉयका के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत मंडपम में आगमन। ब्रिक्स के साझे सदस्य के तौर पर भारत और ब्राजील लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं एशिया का और विकासशील देशों का। ब्रिक्स के मंच के जरिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रॉयका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके, हालांकि ये सितंबर, ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद।
तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन जिससे कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का औपचारिक आरंभ होगा और उस पहले सत्र में वन अर्थ विषय है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस एकात्मवाद की सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिस बंधुत्व की भावना को भारत आगे बढ़ा रहा है, वो भावना इन चर्चाओं के तहत निकलने वाले आउटकम में भी परिलक्षित होगी। इस बात का अंदाज़ा, इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है और ऐसे में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम में आगमन और उसके बाद पहले सत्र में उनका शामिल होना ये उम्मीद जताता है कि कुछ सार्थक चर्चा, सार्थक विमर्श निकलकर सामने आएगा। हम जानते हैं कि शेरपा ट्रैक पहले ही विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न मंचों पर, विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स के सजेशंस, रिकमेंडेशंस को साथ लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका है जिस पर मुहर लगाएंगे विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष। भारत मंडपम में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं औपचारिक स्वागत और इस औपचारिक स्वागत के बाद, फोटो ऑप के बाद शुरुआत होगी पहले सत्र की और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन जो G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न मंचों पर, विभिन्न चर्चाओं में कुछ मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा उसमें एकमत, सहमति मिल पाएगी। भारत के वित्त मंत्री के साथ चीन के जो समकक्ष हैं वित्त मंत्री, उनकी मुलाकात गांधीनगर में हुई थी और उसके बाद ये उम्मीदें अब उठने लगी हैं कि चीन बहुत सारे मुद्दों पर शायद भारत का समर्थन कर सकता है, भारत की प्रेसिडेंसी का समर्थन कर सकता है। देखना होगा कि विकास के मुद्दों पर किस तरह से, फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर, डेट रेजोल्यूशन के मुद्दे पर चीन का क्या रुख रहता है और भारत की प्रेसिडेंसी में जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक की समीक्षा करना हो, क्योंकि वो शायद वो सबसे बड़ी चुनौती है 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त हम मध्य में खड़े हैं जब इसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस और कोविड जैसी दो संकटों से पूरी दुनिया का सामना होगा और उसका असर SDGs के जो लक्ष्य हैं उन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में अब रिकवरी की तरफ वर्ल्ड का पूरे विश्व का फोकस जो है वो अब जाता हुआ और इस रिकवरी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, उस पर लगातार भारत की प्रेसिडेंसी ने काम किया है और उसका नतीजा आज और कल की लीडरशिप समिट के दौरान पूरी दुनिया को दिखाई देगा। इस वक्त जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये उस दौर में हो रहा है जब विश्व कोविड महामारी से बाहर निकल रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी कोविड महामारी से उबर रहे हैं। ऐसे में जो चुनौतियां सबके सामने हैं, खासतौर पर विकासशील देशों के सामने, हालांकि G20 हमेशा से एक आर्थिक मंच रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसके साथ जुड़ गए हैं और उसी के चलते इस बार के G20 शिखर सम्मेलन को भारत ने नए आयाम देने का प्रयास किया है। और ये भारत मंडपम के दृश्य जो सीधे आप तक पहुंच रहे हैं, ये भारत मंडपम जिसमें अब से कुछ ही पलों के बाद, औपचारिक स्वागत के बाद कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का शुभारंभ हो जाएगा और जिसमें गंभीर विमर्श, गंभीर चिंतन सामने आ सकता है। भारत इस वक्त इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सभी देश एकजुट हों। ऐसे में जब पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि सब अपने स्वार्थ, अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने एक आवाज़ बुलंद की कि विश्व को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, तभी संपूर्ण विश्व का विकास हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है, सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में कोई भी देश
अकेला इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में सभी को एक मत होकर एक पृथ्वी के लिए कार्य करना जरूरी है। क्योंकि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर सबको एक साथ मिलकर एक कुटुंब की तरह निर्णय लेने होंगे और ठोस कार्य बना को आगे लेकर लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम साझा भविष्य, एक भविष्य हासिल कर पाएंगे। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे उसमें हम विश्व शांति की बात करें, विश्व की समृद्धि की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें और उन देशों की बात करें जिन्हें अभी तक विश्व नज़रअंदाज करता आया है, उन सबको अगर आगे लेकर जाना है, विश्व को वाकई विकास करना है, तो भारत ने इसे परिभाषित किया है कि सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए मिलकर आगे बढ़ना होगा, मिलकर कार्य करना होगा। भारत मंडपम से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 अब अपने पहले सत्र की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ, जहां वन अर्थ पर चर्चा होनी है। पहले सत्र में तीन फोकस, तीन सत्र और फिलहाल जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन का इंतजार इस वक्त हो रहा है और भारत मंडपम में पहले सत्र के औपचारिक आरंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत का सिलसिला जारी। स्टूडियो में इस वक्त अंशु जोशी जी हमारे साथ हैं, JNU की प्रोफेसर। बड़ा फोकस भारत की जो अध्यक्षता है वो अब अंतिम चरण में आ चुके हैं अंशु जी। प्रतिनिधि और विदेश से आए मेहमान हैं, से भी अधिक शहरों में G20 की 220 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। हमने इसमें नए लोग जोड़े, हमने जो पूरे विश्व से आए हुए मेहमान थे, जो विश्व के अलग अलग प्रतिनिधि थे, उन्हें अपनी जनता से जोड़ा। हमने गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे बढ़ावा दिया, इसे हमने अपनी अध्यक्षता में करके दिखाया। हमने G20 के मंच के विस्तार की बात की और मुझे लगता है एक बड़ा डेलिब्रेशन ये आ सकता है कि जो अफ्रीकी यूनियन है वो G20 का सदस्य बनाया जाए। अभी तक एक संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन G20 का एक परमानेंट सदस्य है और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने समावेशी विकास को लेकर, सतत विकास को लेकर, साझा विकास को लेकर न सिर्फ अपने यूनिलेटरल लेवल पे और बायोलेटरल लेवल पे, हमने मल्टीलेटरल लेवल पर भी G20 के अध्यक्ष के रूप में अलग अलग सफल प्रयास किए और अब मुझे लगता है कि आज और कल जो घोषणाएं होंगी, जो तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तुत होंगी, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम भारत के इस महत्वपूर्ण योगदान को देख पाएंगे। क्योंकि भारत मंडपम में USA अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए, उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जिनका भारत मंडपम में आगमन और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है।
मल्टीलेटरल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो ये दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध देश विभिन्न मंचों पर इस समृद्ध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी भारत की एक ताकत है। तो अंशुल जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा कि विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स में, उदाहरण के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स तक लेकर, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लिया गया, यहाँ तक कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं जो घरेलू घरों में काम करती हैं उन तक भी पहुँचा गया। तो क्या ये भी साबित करता है कि भारत का एक ये भी प्रयास है कि जो कुछ स्टेप्स, जो कुछ निर्णय सामने आए वो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदल सके, उसे प्रभावित कर सके, ताकि वो जो बदलाव की बात की जाती है विश्व में वो बड़े बड़े ऐलान नहीं, छोटे छोटे कदमों से सामने आए। और इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी फिर, क्योंकि इस बार इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का भारत मंडपम में आगमन। अब क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत पहुंचे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य G20 का सऊदी अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं उसमें उसको समाधान देने में सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान, तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए और इसी के साथ विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का स्वागत का कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हुआ, जिसके बाद अब प्रथम सत्र वन अर्थ की शुरुआत होगी और इस सत्र में पृथ्वी को लेकर कैसे विभिन्न देश महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, एक पृथ्वी, अपने पृथ्वी के संरक्षण को लेकर देश क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक विभिन्न कार्य समूहों में और एंगेजमेंट ग्रुप्स में जो जो बातें निकलकर सामने आई जिसके आधार पर शेरपा ट्रैक में डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ऐसे में विभिन्न देश उस पर मंथन करेंगे ताकि कुछ ठोस नतीजे लेकर सामने आ सके। और इस वक्त दूरदर्शन नेटवर्क के जो टेक्निकल टीम है उसकी भी तारीफ करना बहुत ही आवश्यक है। आप देखें कि कितने